नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज का दिन लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय चर्चे में रहीं। दरअसल उनके पिता परसा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के कैंडिडेट हैं। उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और वहीं पर उसी मंच पे ऐश्वर्या भी पहुंची। सबसे पहले मंच पे पहुंचकर उन्होंने नीतीश कुमार का पैर छूकर के आशीर्वाद लिया और फिर चुनावी सभा को संबोधित किया कि पिता को वोट दीजिए, आपके और हमारे मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच फिर से आऊँगी। तो उन्होंने जब संबोधित किया उसका इशारा साफ था कि उनकी राजनीतिक एंट्री हो रही है, बेशक अभी पिता के लिए हुई है, आगे के लिए बड़ा संकेत है। लेकिन जब नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो एक एक करके उन्होंने मुद्दों को गिनाया और ऐश्वर्या के साथ परिवार में क्या किया गया, कैसे बेइज्जत किया गया, कैसे घर से निकाला गया, इस तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धेय दरोगा प्रसाद राय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और चंद्रिका प्रसाद राय जो है सत्ता पक्ष में हुआ करते थे, हम विपक्ष में थे, 1985 में जब जीत करके आए इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि हम इनको बधाई देने के लिए गए, इस परिवार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है और 15 साल जो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने राज किया उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, और उस परिवार यानी कि चंद्रिका प्रसाद राय की बेटी के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार ने क्या किया, ये अन्याय जो है भगवान बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रकृति ने कुछ अच्छा सोच करके रखा होगा। सुनिए नीतीश कुमार को। और ये कौन थे, स्वर्गीय श्रद्धेय दरोगा राय जी के सुपुत्र, और कितना काम किया उन्होंने, हम लोग छात्र जीवन से उनके काम के बारे में परिचित हैं, और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में बात आएगी, ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को, ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता है, और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का, उसके पहले और क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचता है। आप अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव की चुनावी सभा में जिस तरीके से पगड़ी उछली, ऐश्वर्या को मंच पर बुला करके जिस तरह से चुनावी सभा को संबोधित कराया गया, इशारा एकदम साफ है कि लालू परिवार ने महिला के साथ, बहू के साथ अन्याय किया है, घर से निकाला है उन्हें, ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खराब बात है, और उन्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, इसका पाप भोगना पड़ेगा, साफ साफ नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं महिला को इशू बनाया जा रहा है बहू के बहाने, और दूसरी तरफ जो दरोगा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उस परिवार का बिहार के विकास में कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है, ताकि जो है किसी तरीके से जेडीयू कैंडिडेट की और पार्टी को मजबूती मिले, यानी कि ऐश्वर्या के राजनीतिक एंट्री और उससे लाभ लेने की कोशिश। तो अब ये देखते हैं कि नीतीश कुमार ने जो पगड़ी उछाली है लालू प्रसाद यादव की, कि क्या ये भी चुनावी मुद्दा बनता है महिलाओं को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया कि बहू के साथ, बेटी के साथ, महिला के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसका संकेत साफ है। तो इस खबर पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...